إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سورة البقرة کی آیت نمبر 67 67ها बनु इसराइल का तस्करा चल रहा है अल्लाह सुबहान तरशाद फरमाते हैं कि जब मूसा सलाम ने अपनी कौम से कहा इन अल्लाह अमरुक बहु बकार तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम एक गाय जिबा करो बनु इसराइल में एक शख्स था और उस शख्स की कोई औलाद नहीं थी उसका सिर्फ एक भतीजा था तो उस भतीजे ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश उसने एक मुखालिफ के दरवाजे पे फेंक दी तो वहाँ झगड़ा खड़ा हो गया उन्होंने इल्जाम उस पे लगाया उस मुखालिफ पे दुश्मन पे कि इसने हमारे रिश्तेदार को कत्ल किया है और आपस में वो बास मुबासा जब शुरू हुआ झगड़ा पड़ गया तो मूसा सलाम के पास जब ये मामला आया तो अल्लाह सुबहान तूसा सलाम को ये हुक्म दिया कि इनसे कहो कि ये एक गाय जिबा करें और उस गाय का कुछ गोश्त इस मकतूल की लाश पे मारें उसे लगाएं तो ये मकतूल खुद उठ के बैठेगा और बताएगा कि मुझे मुझे कत्ल किसने किया तो उसका अल्लाह सुबहान तहाँ सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह सुबहाना तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम एक गाये जिबा करो कलु तखजुना हुआ तो मूसा आसलाम की कौम ने कहा कि क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं कालादबिल जाहलिन मूसा ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ इस बात से कि मैं जाहलों में शामिल हो जाऊं और जाहलों वाला काम करूँ यानी दीन के मामले में और इस तरह के सीरियस मामले में मजाक करना यह तो जहालत की निशानी होगी तो मैं कोई जाहल तो नहीं हूं कि भाई मैं मजाक करूं तो ये एक और निशानी है बनी इसराइल की के वो किस कदर उनमें भी थी अपने नबी मूसा सलाम की और कितना ज्यादा वो हकीर समझते थे दीन को कि जब एक सीरियस अल्लाह की तरफ से बरा रास्त हुक्म अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं तो वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे बल्कि पूछ रहे हैं कि ये तो मजाक लगता है ये कैसे हो सकता है कि हम एक गाय को जबा करें और उस गाय के जरिए हमें कातल का पता चल जाए खैर जब मूसा सलाम ने जब हुक्म दिया कि गाय को जबा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो पहला तो उन्होंने उस हुक्म की नाफरमानी करने के लिए ये कहा कि ये कोई मजाक है क्या सीरियस बात है जब इसका जवाब मिला कि नहीं ये सीरियस हुक्म है तो अब मजीद टाल मटोल पे आ गए वो कैसे की बालना माही उन्होंने कहा बनु इसराइल ने कहा कि हमारे लिए अपने रब से ये दुआ कीजिए अल्लाह सुबहान तुझिए युबा माही कि वो हमारे लिए वजाहत करे हमारे लिए बयान करे कि माहिया कि वो गाय कैसी है उसको उसको एक्सप्लेन किया जाए उसको डिफाइन किया जाए कि कौन सी गाय मुराद है हालांकि अल्लाह सुबहान ने गाय कुर्बान करने का हुक्म दिया तो चाहिए ये था कि कोई एक गाय लेते और उसको जबा कर देते इतना सा, सादा सा हुकम था पहला उस पर एतराज किया कि ये कोई मजाक है फिर जब बतलाया गया कि ये मजाक नहीं है दीन में मजाक नहीं होता फिर दूसरा सवाल किया कि जी हम हमें बताया जाए कैसी गाय होनी चाहिए अला अल्लाह सुबहान ते अब ये जो कौम बनो इसराइल थी ये इस तरह करके टाल मटोल करती थी सवाल ज्यादा करती थी तो अल्लाह सुबहाना ने सजा के तौर पर सिर्फ ये नहीं कहा कि भी कोई भी गाय कुर्बान कर लो अल्लाह सुबहाना ने उनके हर सवाल पे मजीद कंडीशन और शर्तें बयान कर दी पहली दफा जब वो ये कह रहे हैं कि भी हमारे लिए बयान किया जाए वो गाय कैसी है तो अल्लाह सुबहाना ने कहा इन्ना यकूल होना बकर मूसा सलाम ने कहा कि अल्लाह सुबहान तहते हैं कि वो जो गाय है लाफारदू वाला बिक्र ना तो वो बहुत बुढ़ी है और ना ही वो यानी कि छोटी बच्ची है ना तो छोटी सी गाय है छोटी उम्र की ना गाय है ना बड़ी उम्र की गाय है अवान बई निक बल्कि दरमियानी उम्र की यंग और नौजवान और ताकतवर गाय है फलू मातो अमरून तो तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो काम करो तो अल्लाह सुबह ने यहाँ पे उनको बयान कर दिया कि पहले तो वजाहत की जरूरत नहीं थी लेकिन अब तुमने वजाहत पूछी है तो बता दिया गाय होनी चाहिए और अब जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करो कलना और अब यना अभी भी उन्होंने जिदबाजी और टाल मटोल खत्म नहीं हुई और फिर कहते हैं कि ए मूसा उदोलना रब का मालून अपने रब से दुआ करके पूछिए कि अल्लाह हमारे लिए ये बयान कर दे कि मालून के उसका रंग क्या है किस रंग की गाय है काला अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया इन्नाकूल इन्ना बकर सफरा मूसा सलाम ने कहा कि अल्लाह सुबहान तरमाते हैं कि ता वो गाय जर्द रंग की है येलो कलर की है फाके उसका रंग चमकदार है तसुर नादरीन और इस तरह का रंग है कि देखने वालों को खुश करता है यानी कि बड़ा ही खूबसूरत रंग है अब ये मजीद अब कह लें कि एक मजीद कंडीशन आ गई और इससे मामला उनके लिए मुश्किल हो गया कि इस तरह की गाय को ढूंढना और फिर उसको कुर्बान करना लेकिन अब भी वो बाज नहीं आए खाला रबा माहिया उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें और उनसे पूछें कि हमारे लिए इसको वाजे किया जाए हमें बयान किया जाए कि वो गाय कैसी है जो डिटेल अभी तक हमें गाय की बताई गई है इन अल बकर जो गाय है वो हम पे मुश्तबे हो गई है हम पे खलत मलत हो गई है यानी इस तरह की भी कई गाय हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कि किस मखसूस गाय की अल्लाह सुबह यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं खैर अल्लाह सुबहान ने मजीद उसकी वजाहत की और मजीद शरायत बयान कर दी अल्लाह सुबहान तरमायाकूल बकरूल तुसरदा वला मूसा सलाम ने कहा कि अल्लाह अल्ला फरमाते हैं कि वो जो गाय है लादल वो काम करने वाली गाये नहीं है तो तसीरो ऐसी गाय नहीं है जो कि हल जोतने के लिए इस्तेमाल हो जैसे बैल जो होते हैं उनको हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाला तस्किल हर और ना ही वो खेतों को पानी पिलाने वाली है यानी कि ना ही कुएं से पानी निकालने के लिए उसको जहां बैल और गाय इस्तेमाल होते हैं वहां भी उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता मुसलमतुल्लाशफी और मजीद अल्लाह सुबह तरमाया कि वो सही सालम सेहतमंद गाय है लाशियत अफीहा उसके पूरे जिसम पे कोई दाग नहीं है अगर आप देखेंगे कि कोई भी जब गाय होगी अमूमन तो वो जिस भी रंग की हो उस पर कोई ना कोई दाग दब्बे होंगे दूसरे रंग के लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि ये वाली जो गाय है इसके कोई दाग दब्बे नहीं है कालुल आन जिता बिल हक तो उन्होंने कहा कि अब मूसा सलाम को मुखातब करके बनु इसराइल ने कहा कि अब आपने हक हाँ हम पे वाजे किया है अब हमें समझ आ गई है कि ये कौन सी गाय है किस तरह की गाय है तो इस तरह करके उन्होंने अपने आप पे सख्ती करते करते इसको एक ऐसी गाय तक महदूद कर लिया कि जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नोयत की अनोखी ही गाय थी और उसको खरीदने के लिए उन्हें बेशुमार फिर खर्चा करना पड़ा और ढूंढने में भी उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगा कि इन शराइ को पूरा करने वाली गाय उनको मिले फजा बहू है वमा कादू यह फालून अल्लाह सुबहान तरमाते हैं कि फिर उन्होंने इस गाय को ज़िबा किया वमा कादू यह फालून और करीब था कि वो उसको ज़िबा ना करते यानी कि उनका दिल नहीं कर रहा था ज़िबा करने का लेकिन बदले नखास्ता उन्हें ये ज़िबा करनी पड़ी उन्होंने अपनी तरफ से बहाने तो बहुत बनाए लेकिन फिर मजबूर उन्हें जिबा करना पड़ा तो इस सारे किस्से में भी अल्लाह की जिदबाजी और नाफरमानी का फरमा रहे हैं अल्लाह सुबहाना फरमाते तुम फी जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया ये वही वाक्य चल रहा है ये जो कतल वाला फदारा तुम फी तो तुमने उसमें झगड़ा किया उसमें बहस शुरू हो गई कि कातिल कौन है वल्लाहु और अल्लाह जाहिर करने वाला था उस चीज को जो तुम छुपाते थे यानी कि जो कातिल था जो छुपा हुआ था अल्लाह तआला उसको जाहिर करने वाले थे फकुल नबू अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमने कहा कि इद रिबू के कुछ गोश्त का टुकड़ा इस गाय में से लेके इस मकतूल के जिसम पे मारो कदाली तरह अल्लाह सुबह मुर्दों को जिंदा करेगा वी कुमायात ही और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अकल हासिल करो ताकि तुम्हें अकल आए तो अल्लाह सुबहान तहले भी इस चीज़ का बयान किया कि बन इसराइल के जो लोग मूसा के साथ कोहे तूर पे गए थे उनको मरने के बाद अल्लाह ने जिंदा किया फिर यहाँ पे इस मकतूल को अल्लाह ने मरने के बाद जिंदा किया तो ये निशानियाँ थी बनी इसराइल के लिए कि जो अल्लाह निशानियों के तौर पर मोजादात के तौर पर इनको जिंदा कर रहा है चीज़ों को इन लोगों को तो अल्लाह सुबहान तीज़ पे कादर है कि क्यामत के दिन सारे लोगों को दोबारा जिंदा करे और उनका हिसाब किताब हो अगली आयत में अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि इतना बड़ा वाक इतना बड़ा मोजा और अल्लाह की निशानी सामने आने के बाद, बावजूद इन लोगों पे ये इतने पत्थर दिल थे कि इन पे कोई असर नहीं हुआ अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं बाद इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए फही अकल हिजारा। तो वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर है अव अशद या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए यानी नरम दिल की अलामत ये होती है कि एक दिल अगर नरम हो तो उसमें ये सलाहियत होती है कि वो हक को जजब कर सके हक को तस्लीम कर सके हक से इस्तीफादा कर सके लेकिन जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर उस पर हक का असर नहीं होता वो हिदायत को कबूल नहीं करता हिदायत उसमें शरायत नहीं करती तो अल्लाह सुबहान ने उसकी मिसाल दी पहले ऐसे के जैसे एक सख्त पत्थर होता है उस जैसे तुम्हारे दिल हो गए फिर अल्लाह सुबह मत ने फरमाया अशद बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए क्योंकि व इन अनहार क्योंकि बाज पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनमें से नहरें फूट पड़ती हैं नहरें चल रही होती हैं और उन सख्त पत्थरों में से नहरों का रास्ता बन जाता है वही नमिनहा लमा या शक और बाज पत्थर ऐसे हैं कि जो फटते हैं मिनहुल मा और उनमें से पानी निकलता है व नमिनहा न मिनहा लमा यह बितुमिन और बाज पत्थर ऐसे हैं कि जो अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ से गिरते हैं यानी कि लुढ़कते हैं बुलंदियों से नीचे की तरफ वाफिन अमातामलून और तुम जो अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है तो अल्लाह सुबहान ने यहाँ पे बयान किया के कि पत्थर को सख्त समझा जाता है और सख्ती की मिसाल पत्थर से दी जाती है लेकिन इन लोगों के जो दिल थे वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए थे क्योंकि पत्थरों में भी अल्लाह सुबहान तयान किया कि पत्थर में भी इतनी सख्ती नहीं होती बल्कि उसमें से भी नहरें फूटती हैं उसमें से चश्मे फूटते हैं और इसी तरह पत्थर जो हैं वो अल्लाह सुबहान डरते हैं उसको सजूद भी करते हैं जैसा कि दीगर जगहों पे पर पाक में इस चीज़ का तस्करा आया है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्वीर और इबादत करती है तो अल्लाह सुबहान तख्ती का इस आयत में बयान किया फिर अल्लाह फरमाते हैं जो जो खिताब है जो है अब वो शिफ्ट हो गया मुसलमानों की तरफ तो अल्लाह सुबहान तसलमानों से मुखातब होके फरमाते हैं सहाबा से अफा तऊन आईम वक़द कान फरीकून कला क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि ये लोग भी तुम्हारे लिए ईमान ले आए और तुम्हारे साथ मिल जाए वक़द कान फरीक उम हालांकि इन लोगों की हालत ये है कि इनमें से एक ग्रोह यशमाऊन कलाम अल्लाह वो अल्लाह का कलाम सुनकर, सुन कर दिमा कलू और उस कलाम को समझने के बाद उसमें तहरीफ करते थे उसको बदलते थे वहम लमून और उन्हें इस चीज़ का इल्म होता था कि ये अल्लाह का कलाम अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह सुबहान इस आयत में ये बयान फरमा रहे हैं कि ये यहूदी मदीने के जिनके बारे में तुम लोग ये ख्वाहिश कर रहे हो कि ये इस्लाम कबूल कर लें खुद तौरात में तौरात के साथ अपने दिन में इन लोगों का ये मामला था कि ये अल्लाह का कलाम सुनते थे इस मौके पे कुरान के बारे में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये मुनाजरा कर रहे हैं बहस मुबासा कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं जिस किताब को अल्लाह की किताब ये समझते थे तो रात को उसको सुनने समझने मानने के बावजूद उसमें इन्होंने रद्दो बदल कर दिया तो ऐसे बेहिदायत और गुमराह लोगों से तुम कैसे तो रख सकते हो कि ये ईमान ले आएंगे वैदा वहीदा आमनु आमू आमन्ना अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं यहाँ कुछ यहूदियों के मुनाफिकाना तर्ज अमल का अल्लाह ने यहाँ पे तस्करा किया है कि मदीने में से कुछ यहूदी ऐसे थे कि जो मुसलमानों को आके कहते थे कि हम भी ईमान वाले हैं हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लाम अल्लाह के रसूल हैं कुरान अल्लाह की किताब है और हम भी ईमान वाले हैं लेकिन अंदर से मुनाफकत थी वही रालाबादादिन लेकिन जब वो एक दूसरे से अलीदगी में मिलते कालुह बिमा फतह बिहि रब तो उनमें से जो लोग जाके कहते थे मुसलमानों को के भई हम ईमान वाले हैं तो उनके जो साथी होते थे वो उनको अलीहदगी में समझाते और कहते कि क्या तुम मुसलमानों को जाके वो बातें बतला रहे हो जो अल्लाह ने तुम पे खोली हैं हैं तुम्हें बतलाई है? कि यानी कि तौरात में जो के जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अलामात और जिक्र हुआ है तो वो जिक्र तुम लोग जाके मुसलमानों को क्यों बता बताते हो ले कुम भी आईंदर क्योंकि होगा क्या कि अब तुमने मुसलमानों को अगर ये बातें बतला दी तो वाले दिन अल्लाह के हाँ ये मुसलमान तुमसे झगड़ा करेंगे और हजत और दलील के तौर पे तुम्हारी बातें पेश करेंगे क्या तुम्हें अकल नहीं है तो अल्लाह सुबहान फरमाते हैं अवला इन बदब्तों को इतनी बात का भी इलम नहीं कि अल्लाह उस चीज को भी जानता है जो वो छुपाते हैं और उस चीज को भी जानता है जो वो जाहिर करते हैं और जिसका वो ऐलान करते हैं तो ये तो बड़ी ही एक कह लें कि वाली बात है कि ये ये सोच रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ना बतलाओ के तौरात में अल्लाह के नबी की क्या अलामते हैं तो मुसलमान क्यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ इतमाम हुज्जत नहीं कर सकेंगे और तुम्हारे खिलाफ दिलायल पेश कर सकेंगे क्योंकि अल्लाह सुबह नहू त तो हर चीज का इम है तो फिर ये किस कदर जहालत है कि ये यहूदी ये सोच रहे हैं कि अगर हम मुसलमानों को ना बताएं तो फिर हमारे खिलाफ ये हुज्जत नहीं बनेगी अल्लाह सुबहान तस्करा किया एक और कैटेगरी का एक और कैटेगरी यहूदियों में से अवामनास की आम लोगों की कॉमन पीपल जो हैं फरमाया व मिनहुम उमीयून इनमें से बाज अनपढ़ हैं ला यालमूनल किताब वो किताब को नहीं जानते उन्हें नहीं पता तौरात में क्या है इल्ला अमानिया सिर्फ उनकी ख्वाहिशें हैं व इनहुम ला यदुनून और वो सिर्फ गुमान करते हैं अटकल लगाते हैं गेस है उनका और उनके पास दलील कोई नहीं है यानी ये वो ग्रुप है अवामनास का यहूदियों में से जिनको पता कोई नहीं अल्लाह ने क्या नाजल किया और बस इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं अपने गुमान हैं कि अल्लाह के हम करीबी हैं अल्लाह के हम बेटे हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है हम ही जन्नत में जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा ये सारी चीज़ें अल्लाह सुरान पाक में बयान फरमाई हैं तो ये जो ग्रोह है अल्ला सुबहाना ने इसकी भी सरकोबी की और इसके भी पकड़ की है यहाँ पे कि एक ग्रो ऐसा भी है और ये ग्रो भी गुमराही पे है फिर अल्लाह सुबहान फरमाते हैं फवईल तबिताब के वेल है या तबाही है वेल लफज का मतलब तबाही होता है इसी तरह वेल जहन्नम की एक वादी का नाम भी है तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब को लिखते हैं सुम्मा हादा मिन फिर वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है यानी यहूदियों का तस्करा हो रहा है कि उन्होंने जब तौरात में तहरीफ की तो कैसे की कि उन्होंने खुद अबारत लिखी और फिर ये दावा कर दिया कि ये अल्लाह की तरफ से है ये अल्लाह की नाजल करदा तौरात है हालांकि वो उनके खुद हाथ से लिखी हुई वो किताब थी अपनी तरफ से बनाई हुई यशतरूब ही समन कलीला और मकसद उनका क्या था कि इसके बदले उनको थोड़ी सी दुनिया की कीमत मिल जाए दुनियावी मनफत दुनियावी फायदे की खातर उन्होंने खुद किताब लिख के अल्लाह के नाम पे लगा दी फवईल मम अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि तबाही है उनके लिए उस चीज से जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा फवईल्हु मम्म और उनके लिए तबाही है उस कमाई में भी जो उन्होंने उससे कमाया और जो उन्होंने दुनियावी फायदा उससे हासिल किया वकालुलन तमसना इल्ला अय्यामम मादूदा अल्लाह सुभान व फरमाते हैं कि ये यहूदी कहते हैं लन तमसना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन यहूदियों में एक कांसेप्ट था कि दुनिया की जो उम्र है या जुन दुनिया कितनी देर से है वो कहते है थे सत्तर हजार साल से है और जो है हर सत्तर या सात हजार साल इस तरह की उनसे यानी कि बातें करते थे और उसके बदले हमें सात दिन जो है वो अजाब होगा और हम जहन्नम में सात दिन के लिए जाएंगे और कुछ यहूदियों का कहना था कि हम जहन्नम में चालीस दिन के लिए जाएंगे उसके बदले जो हमने चालीस दिन उस बिछड़े की इबादत की थी तो ये सारी यानी बेदलील अपने दावे थे उनके कुल फरमाया मोहम्मद आप इनसे कीजिए कही तखस तुम्ह क्या तुमने अल्लाह के साथ कोई मुहिदा किया है इस बारे में फलैफल कि अल्लाह अपने वादे की अपने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेगा ही माल तम या जो बात तुम्हें पता नहीं है तुम अपनी तरफ से ही अल्लाह पे कही जा रहे हो और अल्लाह पे ये बहतान लगा रहे हो कि जी हम चंद दिन ही जो दोजक है आग है उसमें जाएंगे तो अल्लाह सुबहान तहाँ पे ये बयान किया कि ऐसा कोई अल्लाह ने इन यहूदियों से वादा नहीं किया ये अपनी तरफ से अल्लाह पे बातें लगा रहे हैं और अल्लाह का ऐसा कोई वादा नहीं है अगली आयत में अल्लाह सुबहान वो वो प्रिंसिपल बयान कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पे इंसान जन्नत या दोजख में जाएंगे अल्लाह सुबहान फरमाते हैं बला मन का सब सै बल्कि जिसने बुरे काम किए वह अहात भी खतीय और उसकी गलतियों और नाफरमानियों ने उसका गिराव कर लिया फौलाई का साबुनार तो ये लोग आग वाले हैं जहन्नम वाले हैं हमफी हा खालिदून ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे यानी जिस शख्स को उसकी बुराइयों ने ऐसे घेर लिया कि उसकी बुराइयां ही बुराइयां हैं और वो कुफर शिरक में मुबतला है तो फिर वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा वल्लीनात और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए का जन्ना, वो लोग जन्नत वाले हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे तो यहाँ अल्लाह सुबह ने उसूल बयान कर दिया कि कोई शख्स जन्नती होने का दावा इस बात पे नहीं कर सकता कि मेरा खानदान कौन सा है या मैं यहूदी हूँ या मैं मुसलमान हूँ या और कोई नस्बत से मैं जन्नत में चला जाऊंगा या मैं फलां का मरीद हूँ तो मैंने जन्नत में ही जाना है ये बुनियाद नहीं है बुनियाद जो अल्लाह सुबहाना ने बयान की वो ये है कि जन्नत में वो जाएंगे जो ईमान और अमल साले पे हैं और जो शख्स कुफर शर्क में है वो हमेशा हमेशा दोजख में रहेगा फिर अल्लाह सुबहान त के बाद मजीद उन वादों का उन पुख्ता का तस्करा किया जो अल्लाह सुबह ने बनी इसराइल से लिए इसरा बनी इसरा पुख्ता वादा लिया पहला वादा के कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे बबिल Wa वालीसाना और वाल के साथ अच्छा सलूक करोगे वजील क़ुरबा और करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करोगे वलियमा और यतीमों से अच्छा सलूक करोगे वल मसाकीन और गरीब मिसकीन जो लोग हैं जो फ़कीर हैं उनके साथ अच्छा सलूक करोगे इसका अल्लाह ने उनसे वादा लिया वक़ूलना से हसना और लोगों के लिए अच्छी बात करोगे अच्छे अंदाज से अच्छे अखलाक से लोगों से बात करोगे व अकीम सलाता और ये वादा लिया कि नमाज कायम करो व आत उसज़क़ात ये वादा लिया कि जक़ात अदा करो तो ये सारे जो काम अल्लाह सुबहान ने बयान किए ये वो वादे थे जो बनो इसराइल से अल्लाह सुबहाना ने लिए लेकिन उन्होंने इन वादों की पासदारी नहीं की अल्लाह सुबहते हैं तुम मोरिदून फिर तुम लोग इन वादों से फिर गए और तुमने इन वादों से मुंह मोड़ लिया कली लमिन कुम सवाए चंद लोगों के, के जो जिन्होंने इन वादों की पासदारी की यहूदियों में से और उन्होंने अल्लाह के ये जो अहकाम थे उन पे अमल किया अगली आयत में अल्लाह सुबहान उनकी एक और बड़ी ना फरमानी का तस्करा फरमाते हैं अल्लाह वाला फरमाते हैं वही खजनासा काम जब हमने तुमसे ये वादा लिया कि के लातफिकुन दिमा तुम अपने खून को नहीं बहाओगे आपस में कतलो गारत नहीं करोगे वला तखरिजू नुम और अपने आप को घरों से नहीं निकालोगे यानी कि आपस में एक दूसरे को जिला वतन नहीं करोगे लड़ झगड़ के उनको घरों से निकाल के अपने शहरों से या मुल्कों से निकाल नहीं दोगे दूसरे यहूदियों को सुम्मा माकर तुम फिर तुमने इसका इकरार किया कि हम ये वादा करते हैं वान तुम तशहदून और तुम इस वादे पे गवाह थे तुमने अल्लाह से ये पुख्ता वादा किया कि हम आपस में लड़ें झगड़ेंगे नहीं आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे और आपस में एक फरीक दूसरे फरीक को उनके घरों से बाहर नहीं निकालेगा जिला वतन नहीं करेगा सुबह फरमाते हैं सुमान फिर तुमने एक दूसरे को कत्ल किया फरीकम मिनकुम मिन दियारी हिम और तुम्हारा एक ग्रोह दूसरे को उनके घरों से निकाल रहा था उनके बिल वल और तुम उनके, उपर, आ, या उनके मुखालिफ मदद कर रहे थे दूसरों की बिल इसम वउदवान गुना के साथ और ज्यादती के साथ गुनाह और ज्यादती में तुम तावन करते हुए मुखालिफ लोगों का तुम अपने यहूदी भाइयों को और बहनों को उनके घरों से निकाल रहे थे और उनको कत्ल कर रहे थे मदीना में अनसार जो थे यानी कि जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बाद में वो मेहमान नवाज बने महाजरीन के अनसार सहाबा वो इस्लाम कबूल करने से पहले वो बुतप्रस्त थे शिरक पे थे उनके दो बड़े कबीले थे एक का नाम था औस और दूसरे का खजरज ये दो कबीले थे अनसार के जो मदीने में रहते थे औस और खजरज और इसी तरह यहूदियों के भी तीन कबीले थे जो मदीने में रहते थे उनमें से दो कबीले खजरज के साथ उसके हलीफ थे और एक कबीला औस कबीले का हरीफ था तो अब जब ओस और खजरज की आपस में लड़ाई होती कत्लो गारत होती तो ये यहूदी अपने अपना जो उनका हलीफ था जिसके वो दोस्त थे उनकी सपोर्ट करते और औस और खजरज की लड़ाई में सपोर्ट करते करते एक दूसरे को यहूदी आपस में कत्लो गत करते और एक दूसरे को कैदी भी बनाते और फिर उनको घरों से भी निकाल देते अब अल्लाह सुबहान चीज का बयान किया यहां पे कि अल्लाह ने तुमसे पुख्ता वादा लिया था कि तुम यहूदी आपस में कत्लो गारत नहीं करोगे एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे इसके बावजूद तुमने मुशरकों का औस और खजरज का साथ देने के चक्कर में यहूदियों ने आपस में एक दूसरे को कतल उगारत की वही उसारा अब अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि ये सारी गारत और गुनाह और ज्यादती के कामों में औस और खजरज का जो ये साथ देने का मामला था वो काम करने के बाद अब जब वही यातूक मशारा अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं कि जब वो तुम्हारे पास आते हैं अब वापस उसारा कैदी बन के अब अब वो जब कैद कर लिए जाते थे गुलाम बना लिए जाते थे अब मंडियों में वो बिकना शुरू हो जाते थे बतौर कैदियों के और आ, गुलामों के तो तुम अब उनको पैसे दे के छुड़ा रहे हो और फिदिया दे रहे हो के भी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि भाई हमारे अगर कोई यहूदी या हमारे हम मजहब अगर वो कैदी हो जाए तो उनको कैद से छुड़ाना ये हमारी मजबी जिम्मेदारी है तो इस दलील की बुनियाद पे तुम लोग उनको कैद से छुड़ाते हो वहु व को अलैकुम हम, अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि हालांकि उनको उनके घरों से निकालना ही तुम पे हराम था तो ना तुम उनसे कत्लोगारत करते ना उनको घरों से निकालते ना वो कैदी बनते और ना ही आज ये मौका आता कि तुम्हें उनकी को छुड़ाने के लिए अब सदकातो खरात करने पड़ रहे हैं और उनका फितिया देना पड़ रहा है अफा तो वो तक फ़ुरुन बिबाद अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं कि क्या तुम किताब के बाद हिस्से के साथ कुछ हिस्से पे ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि भी तुमने कत्लो गारत नहीं करनी अपने हम मजहब भाइयों को उनके घरों से नहीं निकालना उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कैदी बन जाए तो उसको फदिया दे के छुड़ाओ तो एक हुक्म पे तुम लोग अमल करते हो और दो हुक्म जो पहले हैं वो तुम खुद करते हो और ना सिर्फ करते हो बल्कि उसी के नतीजे में वो फिर ये वाला मामला खड़ा होता है कि तुम उनको छुड़ाओ तो ये कौन सी लॉजिक है और यह कौन सी अकलमंदी है कि किताब के कुछ हिस्से पे तुम अमल करते हो कुछ पे नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पे ईमान लाते हो कुछ पे ईमान नहीं लाते तो ये आयत ये अक्सर लोगों ने इसको सुना हुआ होगा कि ये जो हिस्सा है इस आयत का ये एक प्रिंसिपल है ये एक मर्जी का हुक्म उस पर अमल कर लिया अपनी मर्जी से कुछ को छोड़ दिया अल्लाह सुबह कुरान पाक में फरमाते हैं यादी काफा अः मुसलमानों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तो अपने मतलब का मसला लेना ये जो है ये ईमान वालों की निशानी नहीं है बल्कि ये एक आ, आ, जो है वह बेईमानी की अलामत है जिसका अल्लाह तआला ने यहाँ पे तस्करा किया अब ये इतना सीरियस जुर्म है कि अपनी मर्जी से शरीयत का कुछ हिस्सा मान लेना कुछ को छोड़ देना ये इतना सीरियस जुर्म है कि अल्लाह सुबहान फरमाते हैं फमा जजा फाल अल्लाह तआला यहूदियों से मुखातब हैं कि तुम में से जिन्होंने ये काम किया उनका बदला सिर्फ ये है कि उन्हें इसमत दिल आजाब और क्यामत वाले दिन वो अल्लाह सुबहान तरफ से सख्त तरीन अजाब में मुबतला किए जाएंगे वाहफिल अमा तमून और अल्लाह सुबहान तुम्हारे आमाल से गाफिल और नहीं है। अब देखें, इस आयत में हमारे लिए बड़ी ही इबरत और नसीम ने भी फरमाया मुसलमान जो हैं वो पिछली उम्मतों को यहूद नसारा को फॉलो करेंगे उनकी पैरवी करेंगे उनकी नकल करेंगे अगर उनमें से कोई किसी सुराख में भी दाखिल हुआ तो ये भी बिला जरूरत उसके पीछे उस सुराख में घुसने की कोशिश करेंगे और इसी तरह अगर इस आयत में देखें कि अल्लाह सुबहान मुआमला यहूदियों का जिक्र किया है कहीं हम मुसलमान भी तो एज़ अ कौम पूरी कौम के तौर पे इस जैसे फितने में तो मुबतला नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ काम कर लेते हैं कुछ को इग्नोर कर देते हैं कुछ छोड़ देते हैं और शायद यही हमारी बतौर कौम और बतौर मिलत रही और जिल्लत की एक वजह है अल्लाह सुबहाना हुआ मजीद फरमाते हैं उलायकी अश्तरा हयात दुनिया बिल आखिरा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखरत की जिंदगी के बदले खरीदा यानी दुनिया को तरजीह दी और दुनिया के बदले इन्होंने आखरत बेच दी फलायफ अफल अल्ला सुबहान फरमाते हैं कि इन पे जब आजाब होगा कि आमद के दिन तो उस अजाब में तखफीफ नहीं की जाएगी उसको हल्का या कम नहीं किया जाएगा वाला हम सरून और ना ही इनकी मदद की जाएगी इनका कोई मददगार नहीं होगा अल्लाह सुबहान तजीद फरमाते हैं वाला मूसल किताबा हमने मूसा आसमाम को किताब तौरात दी व कफ नाम और उनके पीछे हमने और रसूल भेजे व आते ईसा बना मरियम बनात और हमने ईसा बिन मरियम को नशानियाँ दी मोजात दिए कि मुर्दे को जिंदा करना कोड़ी को शफा याब करना अंधे को बसारत देना नजर देना तो ये मोजात थे जो अल्लाह सुबहान तीसा बिन मरियम को दिए वाह बे रूहल अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि हमने उनकी मदद की रूहुल तो तो कुदस के साथ रूहुल कुदस से मुराद जबरी है तो जबरीलाम के जरिए हमने ईसा की मदद की अब अल्लाह सुबह यहूदियों को मुखातब करके फरमाते हैं फकमा जाबर तुम के जब कभी भी तुम्हारे पास कोई रसूल आता किसी ऐसी चीज के साथ ऐसे पैगाम के साथ ऐसी वही के साथ आता कि लाता हुआ अनफुसुकुम जो तुम्हारे तुमको कबूल ना होती तुम्हें पसंद ना होती तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ होती इस तकबर तुम तो तुमने तकबर कर किया उस मौके पे जब भी रसूल आए और वो शरीयत लेकर आए वही लेकर आए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी तुमने तकबर किया फरी कन तुम फरीकन कुछ अम्बिया को तुमने जुठला दिया उनका इनकार कर दिया और कुछ को तो इतने ये निकले कि कुछ को इन्होंने अम्बिया को कत्ल कर दिया जैसे इन्होंने का इनकार किया यहूदियों ने मोहम्मद रसूल का भी इनकार किया और जकरिया और यह्याल्लाम को तो इन्होंने कत्ल कर दिया तो अल्लाह सुबहान इनकी बदबख्ती का इनके कुफर का इनकी बेईमानी का तस्करा करते हुए फरमाया कि जब अम्बिया तुम में आते थे और तुम्हें पहले इन्होंने खुद तौरात को बदल लिया और जब उस तौरात की असलाह के लिए अम्बिया आए हैं तो फिर ये तकबर मजीद करते हुए उनका इनकार कर रहे हैं और बाज अम्बिया को कत्ल कर रहे हैं अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि वकालू कुलू बुना गुल्फ का और सरकशी का ये आलम है कि फ़खर से रसूल सल्लाम को कहते हैं कुलो बुनागल हमारे दिल दिलों पे पर्दा है हमारे दिल कवर्ड हैं प्रोटेक्टेड हैं हमारे पास ये प्रोटेक्शन है आप हमें जितना मर्जी शर्मिंदा करने की कोशिश कर लें हमें जितना मर्जी एक्सपोज कर लें जो मर्जी हमें कह लें हम पे असर नहीं होना हमारे दिल बचे हुए हैं कवर्ड हैं अल्लाह सुबहाना ने फरमाया ये कोई फखर वाली बात तो नहीं है बल्ला सुबह फरमाते हैं बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पे लानत की है फकली तो उनमें से थोड़े ही हैं जो ईमान को कबूल करते हैं तो ये दिलों का बंद होना दिलों पे कवर होना यह कोई फख्र की बात नहीं बल्कि ये अल्लाह सुबहान तरफ से एक लानत की निशानी है कि अल्लाह जब दिलों को बंद कर देता है तो फिर वो हिदायत याफ्ता नहीं होते वो ईमान कबूल नहीं करते और ईमान कबूल ना करने में नुकसान फिर उन्हीं का होता है और किसी का नहीं वल्मा जाम किताबिल्ला ही मुसद मा माहम अल्ला सुबह तआला फरमाते हैं कि जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई कुरान की शक्ल में मुसद मा माहम जो उस चीज की तस्दीक करने वाली थी जो उनके पास है यानी कि जिस कुरान ने यह तस्दीक की कि तौरात अल्लाह की किताब है वकानू मिन कबल यस्तफ्तिहून कफरू और इसी किताब और इसी दीन इस्लाम के नाम पे यस्तफ्तिहून अलल्लदीन कफरू ये काफरों के खिलाफ मदद तलब किया करते थे और ये उम्मीद किया करते थे कि जब आखिरी किताब आएगी आखिरी नबी आएगा तो तब हम इन काफरों पे फतह हासिल करेंगे और इनके खिलाफ कामयाब होंगे तो ये यहूदी जब इनका काफरों से लड़ाइयाँ होती थी उसमें ये हार जाते थे इनका नुकसान होता था तो ये अपने आप को ये तसल्ली देते थे कि जब आखिरी नबी आएगा और आखिरी किताब आएगी तो हमारा गलबा होगा और फिर हम इन काफरों से मुकाबला कर सकेंगे फलमा जाह मारफू कफरूब अल्लाह सुबहान कि जब इनके पास वो चीज आ गई जिसको ये पहचानते थे कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है ये अल्लाह का आखिरी नबी है कफ़रूब ही इन्होंने उसका इनकार कर दिया उसके साथ कुफर किया फला काफीन तो अल्लाह की लानत है ऐसे काफिरों पे कि जो पहले तो उस किताब का उस नबी का इंतजार कर रहे थे जब आ गया है तो अब ये कुफर कर रहे हैं और उसका इनकार कर रहे हैं बे समझ तरह भी ही अनफुस हम अल्लाह सुबहान तरमाते हैं कि बहुत ही बुरी है वो चीज जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया और वो चीज क्या है यकफरू बिमान कि इन्होंने उस चीज का इनकार कर दिया जो अल्लाह ने नाजल की यानी कुरान का इनकार कर दिया बगयन सरकशी करते हुए बगावत करते हुए और इन्होंने बगावत किस वजह से की हसद इनको किस चीज़ का हुआ कि अल्लाह अपने फजल को अपने बंदों में से जिस पे चाहता है नाज़ल करता है सिर्फ इस जिदबाजी में इस हसद में इस बुगज में कि हम तो ये सोच रहे थे कि आखिरी नबी और आखिरी किताब हम में आएगी हमारी नस्ल में आएगी अल्लाह ने हमें शुरू से ये फजीलत दे रखी है कि अम्बिया हमारी नस्ल में से आते हैं तो अब ये आखिरी नबी आखिरी किताब ये कुरैश में कैसे आ गई ये हम बनु इसराइल से बाहर कैसे चली गई सिर्फ इस हसद में उन्होंने अपनी जानों की तबाही कर ली और अपने आप को बेच डाला अपने फायदे को बेच डाला और उसके बदले में खरीदा क्या सिर्फ ये हसद और बुगज और कुफर तो अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ये बदतरीन चीज है जो उन्होंने खरीदी और अपने आप को तबाही में डाल लिया हालांकि हकीकत यह है कि फजल अल्लाह का है अल्लाह जिसको चाहता है जिसको पसंद करता है उसको अपने फजल से नवाजता है फबाऊ बे गदा गदब वलिल का फरीन आजाब मुहि अल्लाते हैं कि ये लोग इन पे अल्लाह का गज़ब दर गज़ब हुआ बेशुमार अल्लाह का गज़ब इन पे हुआ वलिल वलिलफरीन आजाब मुहिन् और काफरों के लिए रसुवा कर देने वाला अजाब है अल्लाह सुबान वा फरमाते हैं मजीद मुबासा और मुनाजरा इन यहूदियों से जारी है वह आमिन बिमा जब इनसे कहा जाता है उस चीज पे ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजल किया है यानी जो मोहम्मद ईमान है, है, लाते हैं जो हम पे नाजल हुआ हमारा तोरात पे ईमान है वह यक फरून बिमा बरा और उसके अलावा जो है वो उसका इनकार करते हैं मसलन का वो इनकार करते हैं तो उन्होंने कहा के, हम हमें आपकी तरफ से दावत की कोई ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को कहा इन यहूदियों ने क्योंकि हमारे पास अल्लाह की वही मौजूद है हमें वही काफ़ी है हमें आप लोगों की मदद नहीं चाहिए वहू को मुसद माहूम अल्लाह सुबहान फरमाते हैं कि तौरात के अलावा का ये इनकार कर रहे हैं हालांकि कुरान भी हक है और मुसद्दल माहूम और तस्दीक करने वाला है इस चीज को वेरीफाई करने वाला है कि तौरात में से क्या सही है क्या नहीं कि भाई तो तो अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम तौरात पे तुम्हारा ईमान है उस चीज पे ईमान है जो तुम लोगों पे नाजल हुआ तो अगर इतने ही अपने उस ईमान में कम अज कम सच्चे हो तौरात वाले ईमान में तो लिमत अख्तुल अंबिया कबल इससे पहले तुमने अल्लाह के अंबिया को कत्ल क्यों किया अगर तुम मोमिन थे यानी अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं कि ये इस बात में भी झूठे हैं कि इनका उस चीज़ पे ईमान है जो इन पे नाजल किया गया इनका तौरात पे ईमान है इनका पहले बनी इसराइल के अंबिया की तरफ जो वही भेजी गई उस पे ईमान है ये उसमें भी यहूदी झूठे हैं क्योंकि अगर कम अज कम उस पे ईमान होता तो इन्होंने फिर अपने अम्बिया को कत्ल क्यों किया

अपने नबियों की वही पे अपने नबियों पे जो नाजल हुआ उस पर ईमान का दावा आज कर रहे हो तो फिर बिछड़े की पूजा तुम लोगों ने क्यों शुरू की तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो ये कह के कि तुम्हारा पिछले वही पे ईमान है और अब वाली वही की तुम्हें जरूरत नहीं है और फिर अल्लाह सुबह ने मजीद फरमाया वहीजना सा जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया वरफाना फोकमूर और हमने तूर पहाड़ को उठा के तुम पे खड़ा कर दिया जैसे पिछला भी इसका तस्कर आया था पिछली याद में भी के तूर पहाड़ तुम पे रख खड़ा करके ऊपर तुम्हारे ला के तुमसे पक्का वादा लिया गया कि तुम इस तौरात पे अमल करोगे खुजुमा आ तई कि जो तुम्हें दिया जा रहा है तौरात की शक्ल में इसको मजबूती से पकड़ लो वस्माऊ और इसको सुनो समझो इस पे अमल करो कालू समय उन्होंने कहा कि हमने इसको सुन लिया है वह ना और हमने नाफरमानी की यानी मुंह से कहा कि हम इसको सुनते हैं मानते हैं दिल उनके कह रहे हैं कि हम इसकी नाफरमानी करेंगे वह उश फी कुलजला बिकुफ रिहम अल्लाह सुबहान तरमाते हैं कि उनके दिलों में बिछड़े की मोहब्बत शरायत कर गई उनके दिलों ने बिछड़े की मोहब्बत को पी लिया था जब यानी कि इसको पीने से तशबी दी गई कि उनके पूरे जिसम में दौड़ रही थी उस बिछड़े की मोहब्बत जो सामरी ने बनाया था और उसके साथ वो मोहब्बत रख रहे थे ये लोग और ये उनके कुफर की वजह से था कुल भी समा या मुरुक भी ईमान मोमिन अल्लाह सुबह फरमाते हैं मोहम्मद रसूल वसलम इनको कह दीजिए कि अगर ये तुम्हारी करतूतें हैं ये तुम्हारे अमाल हैं तो बहुत ही बुरी चीजों का तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है अगर तुम मोमिन हो यानी अल्लाह सुबहान यहाँ उनको ये डांट रहे हैं और उनको ये शर्म दिला दिला रहे हैं कि भाई एक तरफ तुम लोगों का बड़ा फख्रिया दावा है कि हम मोमिन हैं हम तोरात पे पहली शरीयतों पे ईमान लाने वाले लोग हैं तो क्या ये है तुम्हारा ईमान कि जिस ईमान में तुम शिरक कर रहे हो कुफर कर रहे हो अल्लाह के साथ किए हुए पक्के वादों को तोड़ रहे हो अम्बिया को कत्ल कर रहे हो अगर यही मैनिफेस्टेशन है यही असरात हैं ईमान के तो बड़ा ही गया गुजरा ये ईमान है अल्लाह सुबहान तरमाते हैं फिर अल्लाह सुबहाना तरमाया और ये चैलेंज दिया उनको कि कुल ए मोहम्मद की तरफ से यही रट यही दावा कि आखरत का घर हमारे लिए जन्नत में हम लोग जाएंगे और कोई नहीं जाएगा अल्लाह सुबह ने फरमाया मोहम्मद रसूल इनसे कह दीजिए कि अगर आखरत का घर अल्लाह के यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए खालस है लोगों के अलावा सिर्फ तुम लोगों के लिए आखिरत में चाहिए है। और किसी के लिए नहीं फता फिर तुम मौत की ख्वाहिश करो अगर तुम सच्चे हो वाल हुआ बदम बिमाकदमत अल्लाह सुबान फरमाते हैं कि ये कभी मौत की ख्वाहिश नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या अमल और बदम लिया आगे भेजी हैं वल्लिम बल और अल्लाह

कोई एक हर शख्स इनमें से हर शख्स ये ख्वाहिश करेगा कि काश उसे एक हजार साल की जिंदगी मिल जाए और अल्लाह फरमाते हैं आज़ाबी नाह अगर इनको एक हजार साल की भी जिंदगी मिल जाए इतनी लंबी जिंदगी भी इनको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती वसी बिमा और अल्लाह सुबह न उन कामों को देखने वाला है जो ये लोग करते हैं इंशाल्लाह इसे आगे अगले सबक में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कोई साथी अगर कोई सवाल करना हो जी हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर कोई सवाल है जी जावेद भाई अनम्यूट कर लें अपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अब सब जो जो, जो आयत अभी आपने जिसकी तफसीर बयान की कि आफतो मिनुन बेबादल किताब व तकफुरुन बेबाद तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आज मुसलमान भी जिस जिल्लत से गुजर रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि मुसलमानों ने भी वही किया जो बनी ईसाईल ने किया था कि अपने नफ्स को जो चीज लगी उन्होंने ले ली शरीयत से और बाकी को जो नहीं लगी उसे छोड़ दिया तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा जी जी ये ये कहना दुरुस्त होगा इसका मैंने तस्करा भी किया था उसकी तफसीर के दौरान के मुसलमानों की जो जिल्लत और रसवाई है उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि मुसलमानों का तर्ज अमल भी इसी तरह का हो चुका है जैसा अल्लाह सुबहाना ने यहूदियों का बयान किया इज़ाक लाहर। जी उस्मान भाई आपका कोई सवाल है ए, शेख मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ये जो कुरान ये, ये सूरते हैं इनका नाम साथ में जैसे कुरान रिवील हुआ था सूरते का नाम भी रिवील हुआ था या कैसे मतलब है? जैसे ये सूरत बकरा है इसका मतलब आए सूरत है इसकी गाय के बारे में हम्म मतलब इनके नाम है हुए थे आ, देखें स्ट्रिक्टली ये जो नाम है सूरतों के ये हर सूरत में तोकीफ़ी नहीं है ये तोकीफी से मुराद ये कि ये अल्लाह की तरफ से नाजल करदा नहीं है अः कुछ सूरतों के नाम जो हैं वो हदीस में भी मिल जाते हैं कि अल्लाह के, अल्ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन, उनका तस्करा किया है तो ये जो नाम है ये स्ट्रिक्टली जरूरी नहीं है कि ये वही से ही हो कुछ वही का हिस्सा हैं Uh, कुछ वही का हिस्सा नहीं लेकिन कम अज़ कम कुरान का हिस्सा नहीं है यानी कि कुरान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सूरत तो कुरान के लफज नहीं है uh, तो इसलिए जो कुरान है वो उसमें ये चैप्टर का टाइटल कुरान के अल्फाज में शामिल नहीं है नंबर एक नंबर दो ये कि ये जो सूरतों को नाम दिए गए हैं जैसे मैंने कहा कि कुछ तो यानी कि रसूल से साबित है कुछ उसके बाद भी आ, आ, कई नाम हैं जो यानी के सूरतों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं फिर एक और प्रैक्टिस जो शुरू में हमें नजर आती है वो ये है कि सूरतों को अमूमन उनकी इब्तदा से भी उनका तस्करा किया जाता रहा है जैसे मसला अगर आपने सूर अखलास का तस्करा करना है तो सूरत कहने की बजाय कहा जाए कि कुल हो अल्लाहद सूर कुल्हो अल्लाहद यहाँ ये कि आखिरी जो दो सूरते हैं उनको अल-फलक और अन्नास कहने की बजाय रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने मुआवजातन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो दो सूरत हैं जिनको तावुज़ के तौर पे पनाह पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है